मेडिकल विश्वविद्यालय में अनियमितताओं को लेकर यहाँ के छात्रों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। यहाँ पर कुछ छात्र नेता और विश्वविद्यालय के छात्र मौजूद हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या समस्या है आपको? क्या आज मेडिकल यूनिवर्सिटी, पहले तो ये बताइए आप कहाँ से हैं? भोपाल से मेडिकल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, और आज हम लोगों ने मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो रिजल्ट को लेकर जो दिक्कतें हो रही हैं उसको लेकर हम राजभवन ने ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने बताया है कि स्टूडेंट अगर फोर्थ ईयर में है तो उसका सेकंड ईयर का भी रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। ऐसे लगभग मध्य प्रदेश में 5000 स्टूडेंट हैं जिन लोगों का रिजल्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा नहीं निकाला जा रहा है। आज हमने राजभवन से मांग की है जल्दी से जल्द इन यूनिवर्सिटीज़ के छात्रों का रिजल्ट जो है जल्दी से जल्द दिया जाए, अन्यथा राजभवन का घेराव जल्दी मध्य प्रदेश NSOI करेगी। तो ये जो अनियमितता हो रही है रिजल्ट आने में, ये क्या लॉकडाउन की वजह से हुई या फिर अन्य कोई कारण है विभाग? लॉकडाउन नहीं, पिछले दो साल पीछे मेडिकल यूनिवर्सिटीज चल रही है, और पिछले दो साल से हम राजभवन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं कि दो साल से मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का रिजल्ट ये लोग दो साल से दे नहीं रहे हैं, और हर साल एग्ज़ाम हो जाते हैं उसके दो साल बाद रिजल्ट शो करते हैं। चार साल की डिग्री लगभग स्टूडेंट आठ साल में पूरी कर पा रहा है, उसी चीज़ को लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया राजभवन। तो आपकी ज्ञापन के माध्यम से मुख्य जो मांगे रही हैं वो क्या थी? ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने मांग की है कि यूनिवर्सिटीज़ पहले तो सही प्लेटफॉर्म पर आए, और राजभवन का सख्त आदेश है कि तीन महीने में परीक्षा परिणाम घोषित करना है। यूनिवर्सिटीज़ तीन साल लगा दे रही हैं परीक्षा परिणाम घोषित करने में, तो हम लोगों की यही मांग है कि जल्दी से जल्द सभी छात्रों का रिजल्ट परिणाम घोषित हो, और छात्रों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार और राजभवन जल्दी से जल्दी निर्णय करें और छात्रों को परिणाम घोषित करके दें। यहाँ पर हमारे साथ मेडिकल विश्वविद्यालय की कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं जो प्रोटेस्ट करने यहाँ पर ज्ञापन सौंपने राज्यपाल को आई हैं, अब हम उनसे भी बात करते हैं। हमारी ये मांगे हैं कि हम 2015 के बैच है, हमारा 2019 में कंप्लीट होना था, ठीक है, अब हमारा 21 चल रहा है, सबको पता है 6 साल हो गए हैं। यूनिवर्सिटी अब हमको ये बोल रही है कि तुम 1 साल और दो हमको, बेटा हमसे नहीं हो रहा है, 1 साल आप हमको और दे दो। तो आप ही बताइए कि हम नर्सिंग करके गलती कर दिए हैं कि 8 साल में नर्सिंग करेंगे तो हमारे घर वाले बोलेंगे क्या? वैसे भी इतना फ्रस्ट्रेशन हो रखा है मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से, हम मतलब एकदम प्रताड़ित हो गए हैं चारों तरफ से कि मरने के अलावा हमें कुछ दिख नहीं रहा है। हम अभी मतलब क्या बोलते हैं, अभी तक तो हमें यह आश्वासन दे रहे थे कि बस रिजल्ट आने वाला है दो दिन चार दिन, इससे 28 अक्टूबर के बाद हमने मतलब रोज़ कॉल किया, सर प्लीज़ सर बात करिए ना सर, कहते हैं मेल करते हैं, कॉलेज वाले कहते हैं मेल करते हैं, ये करते हैं वो, जहाँ तक कि कॉलेज वालों को भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से। बच्चे इतना परेशान हो रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं, लड़कियों को मतलब इतना पागल बना के रखा। हम अभी संडे को निकले, मतलब 11 तारीख को यूनिवर्सिटी गए, तो यूनिवर्सिटी जाते ही हमें पहले मिलने ही नहीं दे रहे थे वो कि तुम किसी से नहीं मिलोगे, जाओ भागो। हम जिद में अड़ गए कि हमें मिलना है, और उसके बाद हम जैसे ही मतलब अपनी मैडम के पास गए, मैडम ने हमको इतना तेज भगाया वहाँ से कि क्या बताओ, जैसे हमने कोई जुर्म किया हो नर्सिंग करके। हमें भगाने के बाद हम फिर से एक बार गए कि नहीं हमें मिलना है, हम जिद पे अड़ गए तो हम मिले। कुलपति सर ने पहले हमें मिलने से मना कर दिया, फिर मिले तो हमने उनको एविडेंस दिया कि आपने शपथ पत्र के तहत हमारे पेपर लिए थे कि अगर हमारा ATKT क्लियर होता है तो आप हमारा फोर्थ। अब मैडम उस चीज़ को कह रही हैं कि तुम बेवकूफ़ थे कि तुमने पेपर दिया, क्यों दिया, तुम्हारी कॉलेज वालों ने क्यों फॉर्म डाला? भाई जब तुमने फॉर्म वो किया, ओपन किया, तब ना हमारी कॉलेज वालों ने डाला, अगर तुम नहीं करते तो नहीं करते, ठीक है, हमारी कॉलेज वालों ने एक गलती की कि फॉर्म डाला। भाई कॉलेज से तो हम इमोशनली अटैच्ड हैं, 4 साल से 6 साल से फाइनेंशियल मेंटल मतलब सब कुछ जान रहे हैं वो कि बच्चे हमारे कितना टूट रहे हैं, और ये भी जानते हैं बच्चे कैसे हैं पढ़ने में। तो दूसरा मेरे जानना चाह रहा हूँ कि विश्वविद्यालय जो आपका प्रशासन है वहाँ से आपको कितने समय से इस तरीके का आश्वासन दिया जा रहा है? हम फर्स्ट ईयर में आए तो हमारे पेपर 15 का बैच था, 16 दिसंबर में हुआ, 26 नवंबर से 8 दिसंबर तक हमारे फर्स्ट ईयर के पेपर हुए, और फिर सेकेंड का पेपर हमारे 16 फरवरी से हुआ 2017 में, फिर क्या बोलते हैं 2017 के 18 के बाद हमारे पेपर 2019 मई में हुआ, 1.5 साल ये लेट हुआ, और फिर अब फरवरी में पेपर होने के बावजूद फोर्थ ईयर का पेपर होने के बावजूद रिजल्ट देने का नाम नहीं ले रही, ऊपर से हमें बोल रहे हैं हमें फोर्थ ईयर का पेपर देना पड़ेगा अगर हम आगे बढ़े तो, क्यों मतलब हाँ, अब हमने शिक्षा मंत्री सर विश्वास सारंग के पास गए तो हमको बोला जा रहा है कि हमने उनकी शिकायत की, हम किस हक से शिकायत कर सकते हैं, हम तो खुद ही इतने टॉर्चर हो गए हैं, इतने प्रताड़ित हो गए हैं कि हम अब एक ही चीज़ समझ में आती है, कहीं किसी रेल वेल के नीचे आ जाएं, क्योंकि अब आप ही बताइए हम क्या करें।
हम बहुत परेशान हो गए, 6 साल हो गया, 7 साल, घर वाले ये धमकी दे रहे हैं, तुम घर वाले भी धमकी दे रहे हैं, तुम पढ़ क्या रहे हो। तो प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जो भी अनियमितताएं हो रही हैं या जो लेट लतीफी हो रही है उसका कोई कारण उन्होंने बताया होगा या फिर लॉकडाउन इसका कारण है? लॉकडाउन कोई कारण ही नहीं है, वो तो पहले से ऐसा कर रही है ना। थर्ड ईयर में कौन सा लॉकडाउन था भैया, 19 मई में पेपर लिया, 1.5 साल में पेपर लिया, 1.5 साल के बाद वो रिजल्ट कब दे रही है, नवंबर दिसंबर में। उसके बाद हमारे थर्ड ईयर का रिवोल्यूशन का रिजल्ट आया 20 जनवरी को और उन्होंने हमें एक दिन का भी टाइम नहीं दिया, शपथ पत्र निकाला, शपथ पत्र के बाद हमारे फॉर्म डलवा दिए और फॉर्म डलवाने के बाद रोज हमारे मन में 1 साल का दो साल का फ्रस्ट्रेशन है कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। थर्ड ईयर का वेट करके हम 3 महीने से इस फ्रस्ट्रेशन में है कि अब चलो फांसी ही लगा ली जाए, क्योंकि आप अपनी मांगों को लेके पहले प्रशासन के पास गए, उसके बाद अभी आपने बताया कि मंत्री विश्वास सारंग के पास भी गए, अब आप यहाँ पर राज्यपाल के पास आए हैं। तो एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए और हमारे रिजल्ट के साथ कुछ नहीं किया जाए, क्योंकि हम 7-8 बच्चे इतने फेमस हो गए हैं, आप देख ही रहे हैं मीडिया के सामने आने से हर कोई डरता है, लेकिन हम अब इतने परेशान हो गए हैं कि अब हमारे पास अगर मीडिया और इनने नहीं सुनी तो हम फांसी लगाएंगे बस, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी होगी, और रिजल्ट अगर बिगड़ा तो भी हम एक ही चीज़ करेंगे कि खुद को ही, अब क्योंकि हमने नर्सिंग की थी, हमारी जिद थी पापा, हमें पढ़ना है। आप तो लड़कियों की स्थिति समाज में जानते हो ना, सब जानते हैं, फिर भी आज हम इतना लड़के इतना आगे बढ़ के पढ़ रहे, फिर भी हमें मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा इतना मतलब पीछे किया जा रहा है कि हम 6 साल पीछे हो गए, नजरें नहीं मिला सकते हम अपने बैचमेट से जिन्होंने BSc MSc कर रखी है। हम बहुत परेशान हो गए, हमारा निराकरण किया जाए, नहीं तो मतलब सब बोल दें कि हमको मतलब क्या बोलते हैं हम नहीं असहमत हैं, असमर्थ हैं, तो हम अपनी जान दे के अब मतलब हम फ्री हो जाएंगे, क्योंकि हमसे अब कुछ नहीं सहा जा रहा है। यहाँ राज्यपाल को आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, यहाँ से अगर आपको सुनिश्चित समाधान नहीं मिलता है तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? CM ऑफिस के पास जाएंगे, क्योंकि मामा ने हमारे लिए बहुत किया है, हम छात्राओं के लिए, हम लड़कियों के लिए तो मामा ने बहुत कुछ किया है भाई। मामा ने मेधावी छात्रों को 25,000 प्लस लैपटॉप दिया, मामा ने जननी योजना स्टार्ट करवाई, मामा ने क्योंकि हम पढ़ सकें। आज हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है कि हम 6 साल से नर्सिंग कर रहे हैं और हमारा रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। हमारे भाई हम मतलब ये ना हो तो हम तो आगे ही ना बढ़ पाते, हमारे भाइयों ने इतना सपोर्ट किया, ये भी नर्सिंग कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, अगर ये भाई नहीं होते सर तो हम यहाँ तक नहीं आ पाते। हम मान लेते कि हमें 4th ईयर का पेपर, और INC ने भी बोल दिया है कि 1 सत्र के दोबारा पेपर नहीं हो सकते बस, और रजिस्ट्रार मैडम मिसेस चंद्रकला VK मैडम ने भी हमें बोल दिया है कि दोबारा पेपर नहीं होंगे, पर यूनिवर्सिटी नहीं मान रही, तो यूनिवर्सिटी ये चाह रही कि हम दोबारा पेपर दें। अब बताइए हम क्या करें, क्योंकि रिवेल का रिजल्ट आया 3rd ईयर के बाद, हम इतना फ्रस्ट्रेशन में है कि हमें खुद नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या कर दूंगी। मेडिकल विश्वविद्यालय में लगातार विसंगतियाँ बढ़ती जा रही है, उन विसंगतियों को दूर करने के लिए आज हमने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा है और निवेदन किया है कि वहाँ की जो विसंगतियाँ हैं, छात्र 1 से 2 साल तक अपने परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहा है लेकिन उसके बावजूद परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है, अब अचानक से विश्वविद्यालय कहता है कि आपको दोबारा परीक्षा देना पड़ेगी, आपके परीक्षाएं निरस्त की जाती है। छात्र ने पहले 6 महीने मेहनत की, फिर उसके बाद 1 साल परीक्षा परिणाम का इंतजार किया, 1.5 साल के बाद फिर यूनिवर्सिटी कहती है परीक्षा देने के बाद कि आपको परीक्षा दोबारा देना पड़ेगी, हम आपका परीक्षा परिणाम नियमों के अनुसार घोषित नहीं कर सकते, जबकि राजभवन और ना ही कहीं पे ऐसा नियम है, जबकि नियमों का हवाला देकर मेडिकल यूनिवर्सिटी छात्राओं को सिर्फ परेशान कर रही है, और ऐसे मेडिकल यूनिवर्सिटी के हजारों से लाखों छात्राएं जो मेडिकल यूनिवर्सिटी से परेशान है। कल ही रिवेल का रिजल्ट आया, उसमें मेडिकल यूनिवर्सिटी ने छात्रों से रिवेल की फीस भी ले ली और 28 तारीख से फिर सप्लीमेंट्री की परीक्षा भी कर फॉर्म भरवा रही है, लेकिन यह बहुत गलत हो रहा है। मेडिकल विश्वविद्यालय की जो 4 साल की डिग्री है वो 8 साल में भी पूरी नहीं कर पा रही है। क्या मांग की है? आज हमने मांग की है कि जो मेडिकल विश्वविद्यालय में विसंगतियां बढ़ती जा रही है और जो छात्र छात्राओं के परिणाम परीक्षा परिणाम लंबित है उनको तत्काल जारी करवाएं, अन्यथा हम राजभवन के बाहर उग्र प्रदर्शन करेंगे। ठीक।